सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहली बात तो ये है, पब्लिक सिटी है वास्ते वीडियो बनानी थम्बे हमारे मुसलमानों को माला बोलना। ये है ना, कोसे भी लीडर को हम जाए, कोसे भी हमारे बाबा को हमारे दादा को गाले जासो हमें, ये हमारे अल्लाह ताला के ऊपर बोला तो ये अजान के बारे में बोला तो ये अजान के बारे में बोला है डीसी ऑफिस का सामने अजान देने को क्या प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट ये ऐसा बोला था विधानसभा अंदर नहीं दिया था मुसलमानों, सही बात बोल रहा हूँ, ना मर जाओगे मुसलमान। पहली बात अल्लाह की शान, अल्लाह की शान क्या करोगा माला मरने, तुम ना उन्हें अल्लाह के ऊपर गुस्सा की क्या करा मालूम होता, तुम ना पहले उठने से पहले अल्लाह की शान के बारे में माला मरना। वो तुम्हारे फिरका के बारे में बोले तो कितना उठे लगना, और हमारा फिरका यह फिरका कहते अल्लाह ताला के बारे में बोल पाए सुने, ये तुम्हारे दिमाग भी उठे तो तुम्हारे अब भी खून खोले तो तुम्हारे ईमान की गवाही क्या देती असल में सिखाती जो मुँह तुम्हारा वीडियो 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 में जिंदा जान लगी तो ये वीडियो न मैं ये मेरे दिल की बात बोले तो हर मुसलमान की दिल की बात है। सलमान को बोल रहा तो हर मुसलमान मिलको अलग कुरान के ऊपर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करको उन्हें भजगा खोलगा पोसे मेरे बाला भी हमारे आपको जड़ा चल है तुम्हें ना खाली अल्लाह को समझो अल्लाह की शान को समझो कुरान को समझो। देखो अल्लाह ताला हमने मदद देता बार 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 अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा तुम्हें मेहनत करो तुम्हें लड़ो मुसलमान करने वाला पहले कभी बात कर रफत नहीं है क्या है दिल में बोल डाली क्या रहा तो मैं संभाल अस्सलामु अलैकुम। मैं अफसर मैसूरी, नाजरीन इकराम, हक को हक कहने से जो डरते नहीं हैं वो मर भी जाएं अगर तो मरते नहीं हैं। कुछ तो बात है हक की कार फरमाई में, बेवजह यूं ही सर कटते नहीं हैं। शिमोगा डीसी ऑफिस में एक नौजवान ने दी अजान, इंशाल्लाह अनकरीब पार्लियामेंट में भी अजान देंगे। रियासत के शिमोगा में एहतजाज के दौरान एक नौजवान ने डीसी ऑफिस के अहाते में ऊंचाई पर चढ़कर बुलंद आवाज में अजान दी और देखते ही देखते डीसी ऑफिस के अतराफ व इनकाफ का सारा इलाका सब्ज परचम के साथ
नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। ये भी बताते चलें कि वो पूरा इलाका कट्टर संघियों का अखाड़ा है। पूरा मामला दरअसल ये है कि शिमोगा में मरकजी सुन्नी जमात सुन्नी जमीयत उलमा कमेटी की जानिब से बीजेपी के साबिक वजीर के एस ईश्वरप्पा, जिसने अजान और अल्लाह सुबहाना ताला की शान में गुस्ताखी की थी, इस मलऊन खबीस के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरा करते हुए डीसी को मेमोरेंडम पेश किया जाना था, जिसके चलते वक्त मुकर्रह पर मुसलमाना ने शहर डीसी ऑफिस में जमा होने लगे। कसीर तेदाद में लोग नौजवान भी वहां पहुंच गए और नौजवानों ने अपने ईमानी जज्बे का ऐसा मुजाहिरा किया कि वहां मौजूद फिराउनी ताकतों के दांत खट्टे कर दिए। एक नौजवान फौरी डीसी ऑफिस के सीढ़ियों पर चढ़कर बुलंद आवाज में अजां देने लगा, जिसे सुनकर वहां मौजूद पुलिस व इंतजामिया फौरन हरकत में आ गई और नौजवान को रोकने के लिए पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी, वहां मौजूद दीगर नौजवानों ने अजान मुकम्मल होने तक इंसानी जंजीर बनकर अजान दे रहे नौजवान को तहफ्फुज़ फराहम किया। अजान को रोकने के लिए पुलिस की सारी कोशिश नाकाम रह गई। अजान दिए जाने को लेकर पुलिस और नौजवानों के दरमियान काफी हंगामा हुआ। यहां तक के इतला मिली है कि पुलिस ने नौजवानों को गंदी गंदी गालियां दी और मामला गिरफ्तारियों तक पहुंच गया। लेकिन दुश्मनान इस्लाम के आगे सदाए हक बुलंद करने वालों को अल्लाह सुबहानहू ताला ने बचा लिया, लेकिन नौजवानों के गम व गुस्से में कमी नहीं आई और जालिमों की आंखों में आंखें डालकर नौजवानों ने कहा कि मुसलमान अल्लाह और नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम डीसी ऑफिस ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में भी अजान देंगे। इस तरह हमारे मुस्लिम नौजवानों ने तागूती ताकतों के आगे अपनी जुर्रत व गीरत ईमानी का सबूत पेश किया। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है खुसूसन शिमोगा के मुस्लिम नौजवानों को लेकर, जिन्होंने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।